ऑल राइट गाइस, तो आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। तो गाइस, खारा पानी का नमक कैसे बनाते हैं। तो गाइस, हमारे पास है ये बोतल, इस बोतल के अंदर है खारा पानी। तो गाइस, इसका हम आज नमक बनाने वाले हैं। तो गाइस, उससे पहले हम आपको समुंदर का डेमो बताते हैं। तो गाइस, आपने देख लिया होगा। तो गाइस, हम यहाँ पर थोड़ा अलग करने वाले। तो गाइस, हम यहाँ पर क्या करने वाले, इस कड़े के अंदर इस खारा पानी को डालने वाले और इसको अच्छा से उबालने वाले और देखने वाले कि भाई हमारा इस खारा पानी से नमक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बट गाइस, आई डोंट नो कि यार, मुझे भी नहीं पता है कि यार इसका नमक बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन गाइस, समुंदर पे क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा थोड़ा पानी को अलग अलग जमा कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि धूप से पानी हवा में उड़ जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग किया है। तो गाइस, हम यहाँ पर गैस के ऊपर, इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर इस पानी को अच्छे से उबालेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ी थोड़े पापड़ी जमने लग गई है। तो गाइस, फाइनली हमारा नमक बनना स्टार्ट हो गया है। चलो गाइस, हम 10 मिनट वेट करते हैं और आपको ओरिजिनल नमक बताते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे नमक के ऊपर पापड़ी जमने लग गई है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नमक जमने लग गया है। बस 2 मिनट और इसको तो अच्छे से उबालेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा नमक जम गया है। तो गाइस, इतनी आसानी से हमने नमक बना दिया है। सिर्फ आपके आंखों के सामने हमने नमक बनाया। इसके अंदर कुछ भी केमिकल, कुछ भी मिलावट हमने नहीं की है, एकदम प्योर नमक है। तो गाइस, आपके सामने हमने इसके अंदर पानी खाली किया है और एकदम प्योर नमक है। इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है। और गाइस, और समुंदर पे भी जो नमक बनाते हैं वो लोग भी अंदर कुछ भी मिलावट नहीं करते हैं। सिर्फ वो पानी को 1 सप्ताह 2 सप्ताह उस पानी को भर के रखना पड़ता है, जमा रखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा एक चारी के जैसा उसमें भरना पड़ता है। जैसे खेती करते हैं उसी तरीके से वो पानी को जमा करना पड़ता है। उसके बाद में वो पानी ऑटोमेटिक नमक जमना शुरू हो जाता है और पानी धूप से उड़ जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने भी उसी तरीके से किया, लेकिन थोड़ा सा अलग किया। हमने इस गैस के ऊपर हमने उबाला है पानी को और पानी उड़ गया है और नमक नीचे बैठ गया है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हमारा एकदम सूखा नमक हो गया है। ठीक है गाइस, अब इस नमक को आप खा भी सकते हो। इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, एकदम प्योर नमक है। ठीक है गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट वीडियो आती रहेगी। ठीक है गाइस, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।